भारत का संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, जो हमारे देश की रूह आत्मा है, अगर उस पे अमल ठीक तरीके से होता, ठीक तरीके से होगा, तो मैं नहीं समझता किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या बच्चा हो या बूढ़ा हो, कोई भी जरूरत पड़ेगी इस तरह के मोर्चे लगाने की। इस तरह के अन्याय होना ही बंद हो जाएगा तो इस तरह के मोर्चे लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। खास तौर पे जो हमारे देश के कमजोर तबके, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटीज, जिसमें सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और मुस्लिम आते हैं, ये लोग जो है देश की जनसंख्या का 92.5% बनाते हैं। इनके साथ अत्याचार कुछ मुट्ठी भर लोग करते हैं जो मनुवादी मानसिकता के हैं, जो ये कहते हैं इंसान इंसान के बराबर नहीं है। और इसका असली मकसद क्या होता है कि देश के सभी लोगों का पैसा, संपदा और जितना भी उनके पैसे और माल दौलत है वो छीन कर अपने पास कर ले। ये है मनुवादी मानसिकता और इसके लिए वो ऊंच नीच छोटा बड़ा की बातें करते हैं। दुनिया का एक दो धर्मों को छोड़ के, जिसमें एक मनुवाद भी है, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो ये सोशल मैसेज न देता हो, दो इंसाफ और बराबरी, इंसाफ और बराबरी। खालसा का मतलब क्या है? प्योर, खालिस। खालिस का मतलब होता है वो सिस्टम, वो तरीका जो प्योर हो, जिसमें कोई मिलावट ना हो, जिसमें झूठ ना हो, जिसमें धोखा ना हो, जिसमें छल ना हो, जिसमें कपट ना हो, ये मतलब होता है खालसा का। कौन सा ऐसा दुनिया का, मनुवादियों के अलावा बात कर रहा हूं मैं, व्यक्ति होगा जो खालसा को पसंद ना करे और खालसा को अपनाना ना चाहे? पहले यही एक सवाल है। कोई नहीं होगा जो मनुवादी मानसिकता का ना हो। आज ये आंदोलन जो चल रहा है, इससे पहले कि मैं इसके बारे में बात करूं, अपनी हमें सबको कमी भी समझनी चाहिए। मैं तो हवारा साहब का जत्थेदार, हवारा साहब का वकील हूं, मगर मैं एक बात ये कहूंगा कि जो उनके मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, जो 10 लाख लोग थे कम से कम, कि इतनी आंधी तूफान में भी आके उन्हें जत्थेदार बनाया, मैं सबसे ज्यादा कमी उन लोगों की मानता हूं कि कोई भी नेता, जिनकी आज बात हो रही थी, वो इस बात के लिए मजबूर क्यों नहीं है कि हवारा साहब के लिए और बाकी जो बंदी सिंह है उनके लिए सच्चाई और इंसाफ की बात करने पे मजबूर ना हो हमारा कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी असेंबली का जीता हुआ एमएलए, कोई भी कॉर्पोरेटर या कोई भी किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति। बंदी सिखों की रिहाई के लिए बात करने के लिए मजबूर क्यों नहीं है? आप सभी लोगों ने देखा, मुझसे पहले वक्ता भी बता रहे थे कि अभी जो चुनाव हार गए उन्हें बंदी सिंहों की याद आ रही है, जत्थेदार हवारा साहब की याद आ रही है। तो क्यों नहीं हमने हर इलेक्शन से पहले ऐसा कैंपेन चलाया कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम कोई रियायत नहीं मांग रहे हैं, हम कोई ये नहीं कह रहे कि हमें कुछ ग्रांट दे दो, कुछ हमें ऐसी तरीके से रिहाई दे दो जो कानून में सही ना हो। मैं वेलकम करता हूं जो हमारे लोगों की दो बसें रोकी थी वो छोड़ दी गई हैं, तो और भी संगत के लोग आ गए हैं यहाँ पे, और अगर पूरी बसें ना रोकी जाती तो और भी ज्यादा आ जाते। खैर कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ मुट्ठी भर सही, लेकिन हम खालिस बात कर रहे हैं, हम खालसा की बात कर रहे हैं, हम सच की बात कर रहे हैं, हम इंसाफ की बात कर रहे हैं, हम न्याय की बात कर रहे हैं। तो हमारी आवाज को सुनकर पूरा देश ही नहीं, पूरा पंजाब ही नहीं, पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी होगी, ऐसा मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं। लेकिन
हमें मेहनत करनी पड़ेगी, जो जत्थेदार हवाला साहब के और बन्नी सिंह के जो फॉलोअर्स हैं, जो दिल से काम करना चाहते हैं, उन्होंने अगर थोड़ी सी कोशिश कर ली तो मैं गुरुद्वारा बंगला साहब में भी गया था, मैंने कहा था एक महीना लगेगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा हुआ था 3 महीने लगेंगे छुटने के लिए, तो क्या हम अपने 3 महीने दे सकते हैं अगले? ये सवाल उसके लिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या आप और बाकी जत्थेदार हवारा साहब के फॉलोअर जो पूरी दुनिया में मौजूद हैं, सिर्फ अगले 3 महीने दे सकते हैं हमें इस काम के लिए? बोले यदि हमने ये ईमानदारी से 3 महीने दे दिए तो मुझे कोई वजह ऐसी समझ में नहीं आती कि ये सभी बंदी सिंह जो जेलों में अभी गैर कानूनी तरीके से संविधान का उल्लंघन करके कैदी हैं, वो बाहर ना हो। मैं ये बात इतनी सख्त बात क्यों कह रहा हूं, कैसे कह रहा हूं कि संविधान का उल्लंघन करके ये लोग बंदी हैं, उसकी वजह मैं आप लोगों को साफ बताता हूं ताकि आप लोगों को बता पाओ। हमारे देश में सबसे बड़ा जो कानून है वो बराबरी का है कि हर एक व्यक्ति को बराबरी के साथ ट्रीटमेंट या व्यवहार या सलूक मिलेगा, बराबरी आर्टिकल 14 जो है भारत के संविधान का, जो मेरे साथ होगा वो आपके साथ होगा, जो आपके साथ होगा अगर हम एक जगह पे खड़े हैं तो वो मेरे साथ होगा। तो बंदी सिंह ने ऐसा, मैं हवारा साहब के बारे में तो एक कह सकता हूं कि उनका जुर्म जो संविधान के तरीके से साबित करना है वो आज तक पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है, यानी कि इंसाफ और कानून की नजर में वो आज भी बेगुनाह है, क्योंकि उनका केस मैंने पढ़ा है, मैं ये कह सकता हूं सुप्रीम कोर्ट ने अभी उन्हें सजा नहीं दी है। हमारे देश का कानून यही कहता है, संविधान यही कहता है, जब तक किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट तक से सजा नहीं हो जाती तब तक वो व्यक्ति निर्दोष होता है। तो और हवारा साहब पे जो इल्जाम है वो क्या इल्जाम है? एक व्यक्ति को मारने का इल्जाम है। मैं आपको बुनियादी बातें बता रहा हूं, इसको आपको समझना जरूरी है, इमोशन से हटके, भावनाओं से हटके, सिर्फ और सिर्फ कानून और इंसाफ और जो हमारा संविधान है उसकी नजर से एक व्यक्ति को कत्ल का, एक व्यक्ति को मारने का इल्जाम उनके ऊपर है। तो क्या हमारे देश में जिन व्यक्तियों ने सैकड़ों हजारों लोगों को मारा है, जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक से सजा हुई है, साजिश थी, ये जो अभी लेटेस्ट केस हुआ ना बिल्किस बानो वाला, साजिश क्या थी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे? वो तो एक इंसिडेंट था जिसमें 11 लोग मारे गए थे जिनकी उनको सुप्रीम कोर्ट तक से सजा हुई, लेकिन पूरी साजिश क्या थी हजारों लोगों को मारने की? और ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इस तरह के दसियों नहीं सैकड़ों एग्जांपल हैं कि जिन लोगों ने छोटी छोटी बच्चियों का रेप किया, रेप करके मार दिया, जिन लोगों ने प्रेग्नेंट लेडीज को मारा, जिन लोगों ने छोटे छोटे बच्चों को मारा, लोगों को जिंदा जलाया, आप सब लोग गवाह है ना उस बात के, 84 के दंगों को आप, पूरा देश पूरी दुनिया गवाह है, जिन लोगों ने बेगुनाह लोगों को जिंदा जलाया, सुप्रीम कोर्ट तक से सजा हुई, उन लोगों को छोड़ दिया। राजीव जी जो देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनके ऊपर जिन लोगों को हत्या का जुर्म सुप्रीम कोर्ट तक से साबित हुआ था, उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। तो बंदी सिंह, खास तौर पे जगतार सिंह हवारा साहब का मैं इसलिए जिक्र करता हूं क्योंकि वो केस मैंने पढ़ा है, मुझे मालूम है, मैं उनका केस कर रहा हूं। तो क्या उन्होंने इन सभी अपराधों से कोई बड़ा अपराध किया है और अपराध किया नहीं? क्या उनके ऊपर इन सभी अपराधों से कोई बड़ा अपराध करने का जुर्म का आरोप है? आरोप है क्या? नहीं है ना? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ नहीं है। यदि ये बात सच है तो ये सभी हवारा साहब और दूसरे बंदी सिंह
जेलों में क्यों हैं? तो क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक हो सकता है, हाँ है, बिल्कुल है। तो इस संविधान को तोड़ने के लिए आवाज उठाने की जिम्मेदारी हम सभी भारतीयों की, हम पूरी दुनिया में मौजूद हर एक उस इंसान की जो इंसाफ और बराबरी को मानता है, जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती? तो हमें अपनी ये जिम्मेदारी समझ के ये अगले 3 महीने देने हैं हम सबको। इसके लिए सोशल मीडिया के जरिए कैंपेन चलना चाहिए। हम क्या कह रहे हैं, आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन लिखा है। देखिए, हम प्रधानमंत्री जी को अच्छा व्यक्ति नहीं मानते, खुलेआम कह रहे हैं, लेकिन वो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, हम उनको रिप्रेजेंटेशन देंगे क्योंकि हम उनके पद की इज्जत करते हैं जिस पद पे वो बैठे हैं। यह है हमारे देश का प्यारा संविधान। भले ही एक व्यक्ति जो हमें बिल्कुल नापसंद है, फिर भी हम उससे गुजारिश करते हैं क्योंकि वो हमारे एक संविधानिक पद पे बैठा है। और मुझे बड़ी खुशी है, बहुत ही अच्छा मेमोरेंडम आप लोगों ने बना के आज प्रधानमंत्री जी को दिया है। और प्रधानमंत्री जी हम सबके, आपके, मेरे, देश की जनता के नौकर हैं। वो कोई अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, संविधान के दायरे में रह के उन्हें काम करना है। यह संविधान उनकी जिम्मेदारी लगाता है, इसी संविधान की शपथ लेते हैं वो। हमारी राष्ट्रपति महोदया वो भी संविधान के शपथ लेके बनती हैं, और वो भी देश की जनता की सेवक यानी के नौकर हैं, वो भी संविधान के हिसाब से कार्य करने के लिए बाध्य हैं। तो हमारा एक ही उनसे सवाल है जो मैंने अभी आप सब लोगों के सामने रखा, क्या बंदी सिंह उन सभी लोगों से जिनका मैंने जिक्र किया, जिन्होंने बच्चों को मारा, जिन्होंने सैकड़ों हजारों लोगों को मारने की साजिश की, जिनको सुप्रीम कोर्ट तक से सजा हुई, उनको यदि छोड़ा जा सकता है तो क्या आर्टिकल 14 बराबरी के ट्रीटमेंट से बंदी सिंहों को जेल में होना चाहिए या छोड़ा जाना चाहिए? यही है, जेल में से छोड़ा जाना चाहिए, छोड़ा जाना चाहिए, यही एक सवाल है। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो बंदी सिंह, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मोदी सरकार है, असि कोई तेरे करो भीख नहीं मांगते, अपना हक मांगने हैं। तेरे इस जंतर मंतर दे धरने दे खलो गए, मते तेनू कोई भुलेखा होवे भीख दा, भीख नहीं मांग रहा खालसा, अपना हक मांग रहा साडे जवाना ने। इत्थे रख हक, इत्थे रख हक, इत्थे रख। अरे सरकार कहंदी है इन्हां ने कुछ माड़ा कीता, असि इस गल नू नहीं मानते, साडे वीरां ने बिलकुल सही कीता सी। देखिए मैं आपको बता दूं, सरकार क्या होती है, भारत क्या है, सबसे पहले उसको भी समझना। आप, मैं, इस देश का हर एक नागरिक भारत है, तो हमें ये सरकार को कोई ऐसी चीज समझ के नहीं कहनी चाहिए कि सरकार कुछ अलग है और हम कुछ अलग है। हम सब एक हैं, हम सरकार के मालिक हैं। सरकार 5 साल के लिए आती है, पर हम लोग मालिक हमेशा के लिए हैं। और सरकार में जो नौकर रखे हैं ना अपने, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, ये जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो ये सब हमारे जनता के नौकर हैं। हम खुद भारत हैं, जनता भारत है, तो हमको ये तुम्हारा और हमारा कह के बात नहीं करनी चाहिए। ये नौकर जो है ना हमारे, हमारे नौकर ये काम ठीक नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से हमें अपनी सोच भी रखनी है और इस तरीके से उनसे व्यवहार भी करना है कि ये जो नौकर हैं, ये संविधान के हिसाब से जिनकी उन्होंने शपथ ली थी उसके हिसाब से काम नहीं कर रहे, तो उनका कान उमेटने का जो तरीका है, जो भारत के संविधान ने दिया है, वो है पीसफुल प्रोटेस्ट, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना। ये संविधान ने, भारत के संविधान ने अपने जो नौकर हैं, प्रधानमंत्री हो चाहे जो भी हो, उनका कान उमेटने का तरीका, रास्ता भारत के संविधान ने हमें दिया है। हम यही रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, और इस रास्ते के चलते हुए किसान आंदोलन का भी जिक्र किया गया। प्रधानमंत्री जी जो हमारे नौकर, इन्होंने माफी मांगी, शाहीन बाग की महिलाओं ने जो प्रदर्शन किया उसका फिर समर्थन सबने किया, वो कानून आज तक लागू नहीं हुआ। SC ST Act का एक उदाहरण है बहुत बड़ा, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि इसको, इसकी ताकत कम कर देनी चाहिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट की। वो प्रदर्शन हुआ शांतिपूर्ण 2 अप्रैल को 2018 को, तो सरकार ने कानून में बदल करके SC ST कानून मजबूत किया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला वापस लिया। तो ये ताकत है शांतिपूर्ण प्रदर्शन की, प्रोटेस्ट की,
और आप लोग इंसाफ सच्चाई की तरफ हो तो आपको शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने से कोई नहीं रोक सकता, मैं ये बात की गारंटी लेता हूं। और आपको अपने सभी नेता आज जो उन्होंने पिछली गलतियां की, मैं ये भी गुजारिश कर रहा हूं, अभी बड़े बड़े नेताओं का नाम लिया गया, मैं लेता नहीं हूं ज्यादा नेताओं का नाम, उन्होंने बहुत गलतियां की हैं हम सब जानते हैं। अब अगर वो ठीक होना चाहते हैं, मान रहे ना हमने गलती की पहले, अब हम ठीक रास्ते पे आना चाहते हैं, तो अब सब साथ आए, ये टेस्ट है कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। जो जो साथ आएगा, मैंने आप लोगों को खोल के समझा दिया, क्या मैंने क्या हमने हम सब ने ऐसी कोई भी बात कही है जो गैर कानूनी है, बल्कि हमने वो बात कही है जो कि कानूनी है, संविधान के रूप से है, देश के हक में है, और उसको पूरा नहीं किया जा रहा तो देश के साथ भी अन्याय हो रहा है। हम वो बात कह रहे हैं, और इस मिशन के साथ जो नहीं आएगा उसकी देशभक्ति पे, उसको संविधान के मानने की उसकी निष्ठा पे हम लोग शक करते हैं, और हम शक करते रहेंगे जब तक ये सभी लोग हमारे इस आंदोलन में साथ नहीं आते, या फिर हमें ये नहीं बताते कि हम क्या गलत बात कह रहे हैं। ये है, तो आप लोगों को टीमें बनानी चाहिए, पंजाब के ही नहीं देश के हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास आप टीम बना के लोग भेजें, और ये जो आपने आज बनाया है एक मेमोरेंडम, इस पे साइन कराएं, वीडियो कैमरा लेके जाए, हम भी देखते हैं कौन इस पे साइन नहीं करता, जो साइन नहीं करेगा वो भारत के संविधान पे यकीन नहीं रखता। आज मैंने मेमोरेंडम पढ़ा, इसीलिए बता रहा हूं मैं आपको, उसमें सिर्फ ये बात है कि न्याय नहीं हो रहा वो न्याय करो, ये मांग जो नहीं मानेगा, संविधान का पालन नहीं हो रहा उस संविधान का पालन करो, तो ये बात जो नहीं मानेगा वो संविधान में निष्ठा नहीं रखता। और वक्त की जरूरत है, अभी तो नेताओं को तो पब्लिक की नब्ज पता लगती है ना, हमने बंदी सिंहों की, हम लोग जज्बाती होकर बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन हमें इनकी असली कहानी, इनकी स्टोरी सही परिप्रेक्ष्य में बतानी है, बगैर भावनाओं में आए, ये मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। बहुत लोगों को बहुत गलत फहमियां, जो हमारे सरकार के अंदर भी ना, जो देश के दुश्मन अफसर बैठे हैं बहुत सारे, जो बाहर की ताकतों से मिलकर देश को कमजोर करना चाहते हैं, वो बंदी सिंहों के बारे में और जो एससी एसटी और माइनॉरिटीज के दूसरे बंदी हैं उनके बारे में बहुत गलत फहमियां फैलाते हैं, उससे हमारे देश में आपस में जो प्यार है ना वो कमजोर होता है, प्यार कमजोर होता है तो देश कमजोर होता है। ये साजिश में बहुत सारे अफसर और बहुत सारे संगठन शामिल हैं, उसको हमें एक्सपोज करना है, और जो भी गैर कानूनी तौर पे गलत तरीके से लोग फंसाए गए हैं, ये मुहिम और आंदोलन उन सब के लिए चलाना है। आप लोगों को नीड लेनी है, पहल करनी है, पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और इस बात का वादा भी करना चाहता हूं, हम सभी लोग आपके साथ संविधान बचाने की इस मिशन में कंधे से कंधा मिला के नहीं बल्कि आपसे आगे खड़े होंगे। सारे शेड्यूल कास्ट के लोग, सारे शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। आप लोग पंजाब के लोग, सिख लोग लीडर्स हैं, उनको आगे आके ये मुहिम चलानी चाहिए, हम सभी लोग आपके साथ हैं। जय भीम और जय खालसा, प्योर की जय होनी चाहिए, जय संविधान, क्योंकि संविधान हमारा खालसा है, संविधान हमारा प्योर है, उसमें इंसाफ और बराबरी की बात कही गई है। तो जय भीम, जय भारत, आप लोगों का बहुत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।